Chapter number 16, Environmental Chemistry. This is the last chapter of Chemistry Book 2. इस चैप्टर के अंदर हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द वर्ड सेज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट. और एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट इज़ बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस. एक लेमैन टर्म्स के अंदर इफ़ यू डिफाइन एनवायरमेंट, इट इज़ एवरीथिंग अराउंड अ ह्यूमन बीइंग. और स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग के बारे में भी बात करना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ एनीथिंग अराउंड एनी लिविंग बीइंग. ठीक है, किसी जानदार चीज़ के गिर्द का जितना भी कुछ होगा वी कॉल इट अ एनवायरमेंट. केमिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज दीज डेज पोल्यूटेंट्स जो हैं एनवायरमेंट के अंदर, उनकी वजह से जो ओवरऑल एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर होता है, जिसकी वजह से वी नीड टू स्टडी द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. आज का जो चैप्टर है, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आज का लेक्चर, एंड विल बी लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है. एक आम जुबान के अंदर हम जिस चीज़ को एनवायरमेंट बोल रहे होते हैं, हम सिंपली बोल रहे होते हैं जो हमारे इर्द जो एयर है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द एनवायरमेंट. बल्कि इन रियलिटी द एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये फिगर बेसिकली एनवायरमेंट का है. एनवायरमेंट जो है ये चार बेसिक कंपोनेंट से मिलके बनता है. द फर्स्ट कंपोनेंट इज द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कंपोजेस ऑल द गैसेस विच आर अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गैसेज हैं, जो ऊपर आसमान जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली द एटमॉस्फेयर. इसके अलावा वी हैव हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर हाइड्रा से वर्ड निकला है, जिसमें वाटर होता है. तो बेसिकली जितना भी पूरी दुनिया में एक जानदार चीज़ के इर्द गिर्द पानी के रिजर्वर्स हैं, वी कॉल इट हाइड्रोस्फीयर. द थर्ड कंपोनेंट इज़ द लीथोस्फीयर. लीथोस्फीयर जितना भी ग्राउंड मैटर है, ज़मीन है, और ज़मीन से रिलेटेड जितना भी है, जिसके अंदर सॉइल वगैरह आ जाती है, जिसके अंदर मिनरल्स आ जाते हैं, ये सारा लीथोस्फीयर है. और इसके अलावा इन तीनों का एक कम्बिनेशन है, जिसमें कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर का, कुछ पार्ट लिथोस्फीयर का, और कुछ पार्ट हाइड्रोस्फीयर का आता है, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर जो वर्ड है, एज इट सेज, ये बायो से निकला है, यानी इसमें ह्यूमन बीइंग्स का लेना देना है. ठीक है, यानी लिविंग बीइंग्स जहाँ पे रहते हैं उस एनवायरमेंट के हिस्से को वी कॉल द बायोस्फीयर. उसके अलावा बायोस्फीयर इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. अब हम इन सब के बारे में अलग अलग में बात करेंगे डिटेल के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बेसिकली मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर हमारा पूरा दुनिया का जितना भी एटमॉस्फेयर है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर्स. और उन लेयर्स की हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है, वी कॉल इट ट्रोपोस्फीयर. ठीक है, ट्रोपोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक के हिस्से को बोला जाता है? ये 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, यानी बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ से शुरू होता है. ठीक है, एंड अप टिल 10 किलोमीटर्स का जितना भी एरिया है, वी कॉल इट ट्रोपोस्फीयर. ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर और फिर अगली लेयर है, बेसिक जो लेयर है, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान का जो हिस्सा है, इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज. ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर से जो नेक्स्ट लेयर है, वी कॉल इट मीजोस्फीयर. और इसी तरह मीजोस्फीयर से जो नेक्स्ट लेयर है, वी कॉल इट थर्मोस्फीयर. सो बेसिकली देर आर 4 मेजर लेयर्स, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. और आप इन तमाम के आपस में रिलेटिव सेपरेशन देख सकते हो. ट्रोपोस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंड्स अप टिल 10 किलोमीटर, ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक का जितना हिस्सा है, वी कॉल इट ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या होता है. जितने हमारे वेदर बलून्स होते हैं, हॉट एयर बलून्स, ये सारे इस हिस्से के अंदर होते हैं. पैराट्रूपर्स जो जाते हैं वो भी इसी हिस्से में होते हैं. जो नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं वो बिल्कुल ट्रोपोपॉज के अंदर, यानी जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर लेयर ख़त्म हो रही है ना, 10 किलोमीटर की बुलंदी पे. 10 किलोमीटर कितना होता है? 10 किलोमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 36,000 फीट. सो नॉर्मली
इस रीजन के अंदर एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। जगह लॉन्ग कमर्शियल एयरलाइनर्स जो हैं वो फाइटर्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से नीचे करके फ्लाई करते हैं, ट्रेनर्स काफ़ी नीचे फ्लाई करते हैं। सो दिस इज़ अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। सो नॉर्मली जितने भी हमें जो आसमान नज़र आ रहा होता है दैट इज़ बेसिकली दिस ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें जो अमूमन हमें नज़र आती हैं, बहुत ही लोअर लेवल के जो क्लाउड्स हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो मेजर लेयर है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर बेसिकली ये वो लेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना हुआ होगा, ओजोन लेयर इस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। यू कैन सी हियर दिस इज़ योर ओजोन लेयर, और ओजोनोस्फियर भी इसको बोला जाता है। एज यू कैन सी हियर ये किस डिस्टेंस को बोला जाता है, बिटवीन 20 to 40 किलोमीटर्स, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर कब तक रहता है, स्ट्रेटोस्फियर तकरीबन 40-50 किलोमीटर्स तक के ऑल्टीट्यूड को हम स्ट्रेटोस्फियर ही बोलते हैं। सो जमीन की सरफेस से लेके 10 किलोमीटर बुलंदी तक के रीजन को वी कॉल इट ट्रोपोस्फियर, और 10 से 40 के दरमियान जो है वी कॉल इट स्ट्रेटोस्फियर, और जो ट्रोपोपॉज होता है ये उसके बिल्कुल दरमियान में जो सेपरेशन आती है उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मीजोस्फियर आता है। मीजोस्फियर इज बिटवीन अप टिल 50 से लेके 80 या 90 किलोमीटर्स तक का जो रीजन है वी कॉल इट मीजोस्फियर, और फिर उससे ऊपर जो है देर इज थर्मोस्फियर, बिटवीन 100 से 200 किलोमीटर्स के दरमियान जो ऑल्टीट्यूड के दरमियान जो रीजन है वी कॉल इट थर्मोस्फियर। यू कैन सी हियर क्लाउड फॉर्मेशन जो है नॉर्मली दिस इज इन द ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के हिस्से में होती है, ठीक है। कुछ ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं, जो मीसोस्फियर के ऊपर भी होते हैं, जो आसमान पे आप कभी देखो तो कुछ ऐसे क्लाउड्स आपको नजर आते हैं जो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं और बहुत ही थिक क्लाउड्स होते हैं, वो नॉर्मली इस रीजन में होते हैं। और कभी आप मरी वगैरह जाओ या इस तरह के रीजन्स में जो आपको क्लाउड्स बिल्कुल सर्फेस के करीब नजर आते हैं वो ये नीचे वाले क्लाउड्स होते हैं जो इधर ट्रोपोस्फियर की सर्फेस पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट एटमोसफियर एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा एटमोसफियर है कहाँ तक ये आप देखो, लिमिट्स देखो, इट एक्सटेंड्स अप टिल 1000 किलोमीटर्स। जमीन की सरफेस से लेके 1000 किलोमीटर तक की बुलंदी को वी कॉल इट द एटमॉस्फियर। अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपको पता है अगर जमीन एक गोल बॉल आप लो इस तरह की, मेरे से थोड़ा अच्छा बन गया, वैसे मेरे से सर्कल इतना अच्छा बनता नहीं होता। लेट्स से दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये बिल्कुल मैंने ब्लू कर दी है, बिल्कुल पानी पानी हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा लैंड भी बना देते हैं, ग्रीन कलर का हम लैंड शो कर देते हैं अर्थ के ऊपर। यस दिस लुक्स मोर लाइक अर्थ। ये जना मैंने एशिया बना दिया, वो थोड़ा यूरोप का हिस्सा हो गया, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड दिस इज़ हाउ अर्थ इज, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया छोटा सा, ओके। सो ओ अफ्रीका तो मैंने मिस ही कर दिया, ओके, दिस इज़ योर अफ्रीका, दिस इज़ अर्थ। एंड यू नो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ, या व्हाट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। सो दिस डिस्टेंस इज 6400 किलोमीटर्स। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जमीन का जो टोटल एटमॉस्फियर है दैट इज दैट एक्सटेंड्स अप टिल 1000 किलोमीटर्स। तो अगर ये डिस्टेंस 6400 है तो 1000 कितना होगा, बिल्कुल हल्का सा यहां तक। इफ दिस डिस्टेंस इज 6.4 देन वन डिस्टेंस मस्ट बी दिस, आप कंपेयर कर सकते हो ना। इफ दिस डिस्टेंस 6400 सो 1000 तकरीबन इतना होगा, और इस 1000 के अंदर भी इस एटमॉस्फेयर का जो मेजर वेट है ना वो लोअर 5 किलोमीटर्स के अंदर है। मोर देन 60% ऑफ अर्थ्स एटमोसफियर इज कंसेंट्रेटेड इन द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जो हमारा एटमोसफियर का टोटल वेट है उसका जो 60% हिस्सा है वो जो नीचे के 10 किलोमीटर हैं उसके अंदर है, और ये जो ऊपर के 990 किलोमीटर हैं ये बहुत ही थिन एटमोसफियर है, ठीक है। इट इज रिलेटिवली वेरी थिन एटमोसफियर, और इसको नॉर्मली वी कॉल इट हेट्रोस्फियर। यहाँ पे आपको इस साइड पे भी नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्फियर। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वी कॉल इट होमोस्फियर, जिसके अंदर हमारा मेजर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर इज कंसेंट्रेटेड। सो इफ दिस ग्रे लाइन हियर, ये अगर आपको 1000 किलोमीटर्स डिनोट कर रही थी, सो आप मुझे बताओ कि 10 किलोमीटर्स अब कितना होगा। 10 किलोमीटर्स तो सिर्फ एक हल्की सी, बहुत ही थिन सी एक लाइन होगी। सो पूरी जमीन के हिसाब से अगर एटमोसफियर को देखा जाए तो एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली वेरी थिन। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर ज़मीन इस तरह की है तो एटमॉस्फेयर ये जनाब ये सारा हिस्सा ज़मीन के गिर्द का जो है ये सारा एटमॉस्फेयर होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ही थिन है ओवरऑल साइज ऑफ द अर्थ के निस्बत, ठीक है।
सो नाउ यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि ज़मीन की मुख्तलिफ जो लेयर्स हैं इनका क्या नाम है और इनकी कंपोजिशन किस तरीके से है. इनकी कंपोजिशन के बारे में लेट मी गिव यू एन आइडिया. इनकी कंपोजिशन जो है ओवरऑल जो अर्थ के एटमोसफेयर की है वो कुछ ऐसे है कि ऑलमोस्ट 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा 21% के करीब ऑक्सीजन गैस है. यानी मेजर जो अर्थ का एटमोसफेयर है दैट इज नाइट्रोजन. ठीक हो गया, हम एटमोसफेयर के कंपोजिशन के बारे में भी थोड़ी और बात कर लेते हैं. इस फिगर के अंदर यू कैन सी द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन. द मेजर गैस इज बेसिकली नाइट्रोजन. नाइट्रोजन आपको पता है कि N2 इज एन इनर्ट गैस बिकॉज N ट्रिपल बॉन्डेड होता है N के अंदर. नाउ यू हैव स्टडीड ऑलमोस्ट ऑल द केमिस्ट्री रिलेटेड दिस लेवल. तो नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस और इसका कोई खास अफेक्ट नहीं होता हमारे एटमोसफेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए. और जो दूसरी गैसेज हैं मेजर उनके अंदर एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इन विच वी ब्रीथ. इसके अलावा देर इज 1% ऑफ द एटमोसफेयर विच इज़ कम्पोज ऑफ द ट्रेस गैसेज जो बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर हैं. इस 1% के मजीद अगर आप 100 हिस्से कर दो तो उसके अंदर 93% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है, जो मेजर पार्ट है. उसके अलावा देर आर अदर गैसेज लाइक नियॉन, हीलियम, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन. दीज आर द गैसेज जो कि हमें लगता है कि शायद हमारे एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा हैं, बट कम्पेयर टू द नाइट्रोजन डेंस एटमोसफेयर जो नीचे का बॉटम का जो पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, इफ दिस इज योर अर्थ, ये जो बिल्कुल स्टार्ट की लेयर है ट्रोपोपॉज, इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. कुछ ट्रेस अमाउंट्स में ये और गैसेस भी हैं, बट ओजोन वगैरह जैसे आप सोच रहे होगे कि ओजोन की तो पूरी एक लेयर है, तो उस पूरी लेयर का वजन क्या 0.01% है? यस, इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि ओजोन बहुत ही थोड़ी अमाउंट में है. बल्कि ये तो 0.01% इस 1% का बनाया गया है ना, ठीक है, बल्कि इस 0.1% का ये सारा हिस्सा बनाया गया. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली 0.01%, इट इज़ 0.0001%, ठीक है, बल्कि इसमें भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगा. दिस इज व्हाट द परसेंटेज ऑफ ओजोन इज इन आवर कंप्लीट एटमॉस्फेयर. दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अलावा जो दूसरी हमारी कंपोनेंट्स थे एटमॉस्फेयर के. एक तो हमने बात की थी ना कि एटमॉस्फेयर है जो मुख्तलिफ गैसेस हैं हमारे अराउंड जिन जो हमें कंट्रोल कर रही होती हैं. उसके अलावा देर इज द अदर कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वंस अगेन हाइड्रो, हाइड्रा से वर्ड डिराइव हुआ है विच रेफर्स टू वाटर H2O. सो बेसिकली जितने भी ज़मीन के ऊपर वाटर के रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर के रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है. हाइड्रोस्फीयर जो है ये कितना है पानी ज़मीन को, अगर आप ओवरऑल देखो ना, इफ़ दिस इज़ योर अर्थ, ज़मीन के अंदर जो प्राइमरी हिस्सा है ना जहाँ पे पानी पाया जाता है वो ये ओशंस हैं बड़े बड़े, ठीक है. दीज आर बिग ओशंस जिनके दरमियान में कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. और दीज ओशंस बेसिकली कंपोज द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ्स वाटर. ज़मीन का जो 97% ओवरऑल पानी है वो ओशंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है. इसके अलावा कुछ जो पानी है वो ग्लेशियर्स वगैरह के अंदर पाया जाता है. और ये जो पोलर आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स बोलते हैं ज़मीन के ऊपर, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है ना और एक साउथ पोल है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है. आप कहीं कभी नॉर्थ पोल को आप देखो तो यूँ पे वाइट कलर का आपको नज़र आता है यूँ, ठीक है. ये वाइट कलर आपको ये बता रहा होता है कि यहाँ पे सारी बर्फ़ जमी हुई है, टेम्परेचर बहुत लो होता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ठंडे इलाके हैं. मसलन आपने ग्रीन लैंड के बारे में भी अक्सर सुना हुआ होगा. एंड जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसमें आर्कटिक ओशन का कुछ हिस्सा है, ठीक है, और एंटार्क्टिका जहाँ पे आता है. सो ये जो पार्ट हैं ये भी डेफिनेटली पानी से मिलके बने हुए हैं, पानी इन सॉलिड फॉर्म. और ये जो पानी है दिस कंपोजेस 2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ. सो ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी है उसका 97% हिस्सा ओशंस में पाया जाता है और 2% हिस्सा ओशंस के अंदर. आई ऑल्सो मीन सीज हियर, क्योंकि सीज आर बेसिकली स्मॉल पार्ट्स ऑफ ओशंस. सो सीज एंड ओशंस के अंदर 97% एंड ग्लेशियर्स के अंदर 2% होता है. बट इस पानी के साथ मसला ये होता है कि इट इज़ वेरी सॉल्टिश. आप कभी समंदर के पानी को टेस्ट करो, इट हैज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉन्टेंट, जिसकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं होता.
जो बाकी 1% बच गया है ना, बाकी जो 1% बच गया है, ये वो पानी है जो जमीन के इंटरनली एग्जिस्ट करता है। मसलन हम देखते हैं अक्सर कि कुओं वगैरह के अंदर जो पानी पाया जाता है, ये वो पानी है, या कुछ स्ट्रीम्स वगैरह जो बह रही होती हैं, ठीक है, नदियाँ, दरिया, ये वो पानी है। ये ऐसा पानी है, इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत कम होता है और इसको हम हाउस होल्ड यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाटर को हम लोग इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस वाटर की ओवरऑल जो कंजम्पशन है, ऑलमोस्ट 70% जो है एग्रीकल्चर में कंजम्पशन है, जब हम ज़मीनों को पानी वगैरह देते हैं, वो सॉल्ट्स के बगैर होता है, और वो इस ये वाला पानी होता है। समंदरों का पानी आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही ग्लेशियर्स का पानी। आप ये प्योर पानी जो ज़मीन के अंदर से निकलता है या जो स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं 70%, ठीक है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 23% जो है ये इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर, एंड द रेस्ट 8% या 7% जो बच जाता है हमारे पास, दिस इज़ यूज फॉर हाउस होल्ड यूजेज। हाउस होल्ड में हम जितना घरों में अपने पानी इस्तेमाल करते हैं, वो इट इज़ जस्ट 7% ऑफ दिस 1%, यानी ओवरऑल दुनिया में जितना भी पानी है उसका 0.07%, विच एक्चुअली मीन्स 7/10,000। अगर दुनिया में टोटल 10,000 किलो पानी है, तो सिर्फ 7 किलो पानी जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हाउस होल्ड के लिए यूज़ होता है, बाकी सारा पानी, उसमें से वैसे तो 99% ओवरऑल पानी तो इस्तेमाल होने के काबिल ही नहीं है, और जो 1% है उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया मैंने। दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। अब हम तीसरी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, विच इज़ लिथोस्फीयर। देखो मैंने लिथोस्फीयर को कलर भी इसका मैंने लाइट ब्राउन यूज़ कर लिया, बिकॉज इट रेफर्स टू सॉयल एंड द क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ आपको पता है ओवरऑल, अब तक तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो ना, आपके अब सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो रहा है। इफ़ दिस इज़ योर अर्थ, अर्थ इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लेयर्स। जो सबसे आउटर लेयर होती है वी कॉल इट द क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के अंदर हमारे पास पानी भी आ जाता है, इस ये जितने भी दुनिया के ओशंस हैं। आप आपके ख्याल में ओशंस कितने गहरे होते होंगे? इफ़ दिस इज़ द सर्फेस ऑफ अर्थ, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू से शो कर देता हूँ। इफ दिस इज द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो ओशन अगर यहाँ पे, यहाँ से एक ओशन शुरू होता है और यहाँ तक एक ओशन है, तो ये कितना गहरा होता होगा आपके ख्याल में? यूं इतना इतना गहरा होता होगा? नो, लेट मी टेल यू कि ओशंस नॉर्मली कितने गहरे होते हैं। एक ओशन की जो डेप्थ होती है, जो दुनिया का सबसे गहरा ओशन है, दैट इज ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स डीप। ओके, 10 किलोमीटर्स डीप, ये दुनिया का सबसे गहरे ओशन की बात हो रही है। आपने अक्सर सुना भी होगा मैरियाना ट्रेंच, इट्स इन पैसिफिक ओशन, और दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द सी। अब इस हिस्से को अगर आप टोटल जमीन के रेडियस के साथ कंपेयर करो, इफ दिस इज योर अर्थ, ठीक है, और जमीन का ये जो रेडियस है इट इज 6400 किलोमीटर्स। अब लेट्स अज्यूम के जो मैरियाना ट्रेंच है ये यहाँ पे है, तो 6400 किलोमीटर्स कहाँ पे और 10 किलोमीटर कहाँ पे? यानी ये तो इतना मामूली सा हिस्सा है कि इसको मैं इस तस्वीर पर ड्रॉ भी नहीं कर सकता। इट्स सो थिन, द सीज आर सो थिन, और सीज जो हैं ये टोटल एक बारीक सी, बहुत ही बारीक सी एक लेयर होती है सिंपली। यानी अगर यहाँ पे एक पूरा पैसिफिक ओशन भी मैं ड्रॉ करूँ ना, तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। सो ओवरऑल पूरी दुनिया के एतबार से, इफ दिस इज योर कंप्लीट अर्थ, पार्डन मी, इसको मैं थोड़ा सा, मुझे चाहिए था कि यूं करके फिल कर देता। लेट मी, लुक्स बेटर दिस वे। इफ दिस इज योर कंप्लीट अर्थ, तो ओनली दिस स्मॉल पार्ट, ये जो हल्की सी ऊपर में डॉट्स लगा रहा हूं ना, ये आपकी टोटल पूरी दुनिया के सारे समंदर और ओशंस हैं, ठीक है। बाकी जितना भी हिस्सा है वी कॉल इट लिथोस्फीयर, यानी ये आपकी जमीन है जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जमीन की जो कंपोजिशन है ये भी वेरी करती है। अब अगर आप मार्स पे चले जाओ, तो उसकी सरफेस जो होगी वो कुछ और चीज़ों से मिलके बनेगी, जुपिटर किसी और चीज़ से मिलके बना हुआ है, और जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है? हमारी अर्थ की सरफेस में जो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि नॉर्मली जितने भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कंपोजेज अप्रॉक्सीमेटली 46.6% ऑफ द टोटल
part of the crust. Uske ilawa we have silicon. Second most abundant element is silicon, it's approximately 27%. Or third number pe most abundant element we have aluminum. And I remember hum isse pehle bhi is bare mein baat kar chuke hain kisi ek chapter ke andar, theek hai? So these are the most abundant elements. Iske alawa kuch aur bhi definitely hain, calcium hai, sodium hai, potassium hai, manganese hai, magnesium hai, titanium hai, phosphorus hai, iron hai, mukhtalif cheeze hain, but ye bahut hi thodi amount mein jo overall composition hai na, ye in teen cheezon se milke hamara jo surface hai, jo lithosphere hai, that is made up of these three layers. Okay, तो स्टार्ट में जो मैंने बात शुरू की थी वो ये थी कि क्रस्ट जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, क्रस्ट और जमीन के सेंटर के दरमियान की जो लेयर है इट इज कॉल्ड मेंटल, और जो सबसे इंटरनल पार्ट है जमीन की लेयर का इट इज कॉल्ड कोर. ठीक है, तो कोर और मेंटल की फिलहाल हम बातें नहीं कर रहे, ये जो सॉइल होती है ना और जो सैंड होती है दिस इज बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. एंड क्रस्ट जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर डीप होता है, 100 किलोमीटर डेप्थ तक का जितना हिस्सा इट इज कॉल्ड क्रस्ट. और उसके बाद फिर मेंटल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर एक मेंटल के अंदर भी एक दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर ऑफ मेंटल होती है जिसको आउटर मेंटल कहते हैं, और फिर एक इनर लेयर ऑफ मेंटल होता है. सिमिलरली देर इज एन आउटर कोर एंड देर इज एन इनर कोर, बट वो अंदर की बहुत ही अंदर की लेयर्स हो जाती हैं जिसके अंदर नॉर्मली हमारे जो काम की रॉक्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, या जिसके अंदर हम लोग मिनरोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो तमाम 100 किलोमीटर डेप्थ के अंदर अंदर की होती हैं. इट इज़ द आउटर क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं आउटर क्रस्ट, और फिर उससे नीचे फिर इनर क्रस्ट होता है. ठीक है, सो दिस वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि लिथोस्फीयर क्या चीज़ है और उसकी कंपोजिशन किस तरीके से है. नाउ लेट्स कम बैक जहां से हमने आज चैप्टर और ये इंट्रोडक्शन लिया था कि हमारा जो ओवरऑल एटमॉस्फियर है, हमारा एनवायरनमेंट है, नॉट एटमॉस्फियर, एनवायरनमेंट, क्योंकि चैप्टर इज ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. हमारा जो एनवायरनमेंट है एज अपोज टू नॉर्मली व्हाट वी थिंक, इट इज कंपोज्ड ऑफ द एटमॉस्फियर जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ गैसेज हैं और हमने मुख्तलिफ लेयर्स आज डिस्कस की. उसके अलावा देन देयर इज द लिथोस्फीयर जिसमें हमारे पास ग्राउंड वाला हिस्सा है. देन देयर इज द हाइड्रोस्फीयर जिसमें तमाम दुनिया के समंदर और पानी के रिजर्वोयर्स आ जाते हैं. एंड देन इन तीनों के इन्फ्लुएंस से एक स्ट्रक्चर बनता है जहां पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं और एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट करते हैं जिसको बोला जाता है बायोस्फीयर. ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं बायोस्फीयर के अंदर, यानी जहां पे लिविंग बींग्स रह रहे हैं उसके अराउंड कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग बींग्स का जीना एक तरह से मुश्किल कर देते हैं, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं जिनको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स के अंदर बहुत किस्म के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, ब्ला ब्ला, ये जितनी पोल्यूटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं इससे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे. एज फार एज दिस लेक्चर गोज, टुडे वी हैव हैड अ जनरल इंट्रोडक्शन टू व्हाट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज, ठीक है, एंड सेकेंडली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट.